पुल ब्लॉक में जो इमामबारगा वाली साइड है वहां पर अब सीवरेज की लाइन बाकायदा तौर पे बिछना शुरू हो गई है। गोल्ड ब्लॉक के अंदर मकानात बन रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा इस्वानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ वन में मौजूद हूं और जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये गेट नंबर 3 है। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, पेवर के हवाले से मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी। इंशाल्लाह ताला आगे जो पेवर का काम हो रहा है उस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल मैं आपको गोल्ड ब्लॉक की तरफ लेके चलता हूँ। गोल्ड ब्लॉक में जो इमामबारगा वाली साइड है वहाँ पर अब सीवरेज की लाइन बाकायदा तौर पर बिछना शुरू हो गई है। इसके अलावा रोड का काम भी तकरीबन शुरू हो चुका है। तो चलें हम चलते हैं और चल के थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखला दूं कि अगर आप इस साइड पे देखें तो पीछे की जानिब आपको ये मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये मस्जिद पे जब बनना शुरू हुई थी तब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी और अब ये मस्जिद जो है काफ़ी हद तक बन चुकी है, बन रही है। इंशाल्लाह ताला जब ये कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर मैं मज़ीद इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो चलें चलते हैं आगे चल के आपको वो तमाम मराहिल जो कि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के हवाले से वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें आ जाए मेरे साथ। अच्छा व्यूअर्स, गेट 3 से थोड़ा ही सा मैं आ गया आया हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इस साइड पे जो गोल्ड ब्लॉक के अंदर मकानात बन रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। जिस तरह GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तहत फेज़ वन में जितने मकानात बने हुए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती है और यहाँ पर काम की रफ्तार बहुत तेज़ हो चुकी है। व्यूअर्स, अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ वन में बड़े खूबसूरत खूबसूरत से मकानात बने हैं जिनको मैंने कई बार आपके लिए एक्सप्लोर भी किया है। फिलहाल तो मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ। आप ये देख सकते हैं कि साइड ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और यही रोड अगर आप सीधा चले जाएँ तो ये गेट नंबर 6 की तरफ चला जाता है जो कि आगे उसके गेट के दूसरी वाली साइड पे पैराडाइज ब्लॉक है। व्यूअर्स, तो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में जो इस वक्त काम की स्पीड है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ पर जो साइड ब्लॉक्स हैं इस रोड के ऊपर वो रख दिए गए हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस पे काम भी शुरू हो जाएगा। दूसरी साइड पे अगर उस साइड पे आप देखें तो सीवरेज का जो मेन होल्स हैं वो बना दिए गए, रोड लेवल कर दिया गया और इसी तरह आगे तक ये पूरा गोल्ड ब्लॉक जो है दोनों साइड से उस तरफ भी गोल्ड ब्लॉक, इस तरफ भी गोल्ड ब्लॉक, दोनों साइड पे गोल्ड ब्लॉक और बीच का जो इमामबारगा वाला पोर्शन था मुकम्मल तौर पर अपडेट हो चुका है। आगे चलते हैं और वहां पर जो सीवरेज का काम हो रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आ जाए मेरे साथ। ये देख सकते हैं कि ये जो सीवरेज की लाइनें हैं वो रखी हुई हैं यहाँ पर और ये मेरे बराबर में आप पूरी एक लाइन देख सकते हैं जो कि बहुत डीप खुदाई की गई है और इसमें सीवरेज की लाइनें जो हैं वो बिछा दी गई हैं। वो उस साइड से बिछती हुई चली आ रही हैं जहाँ पर वाटर टैंक बना हुआ है, जहाँ से पानी की सप्लाई नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ वन में की जाती है। तो बस जिस तरह सीवरेज की लाइनें बिछती चली जाएंगी, जो मेन लाइन है वो बिछ जाएंगी, उसके बाद फिर वो कनेक्टिंग लाइनें जो हैं वो लगाई जाएंगी। और ये रोड आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको साइड ब्लॉक्स जो हैं वो रखे हुए हैं, यहाँ पे भी पाइप रखे हुए हैं जो कि आगे जाके बिछेंगे। ये रोड सीधा जाके एंड में उस साइड पे जो गेट नंबर 6 है वहाँ पर शामिल हो जाता है, यानी कि उस तरफ निकल जाता है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी गोल्ड ब्लॉक की जो कि बहुत शानदार सा एक ब्लॉक है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ वन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की अपडेट में इंशाल्लाह ताला आगे की भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, रिल्ज़ाबाद के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्वानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।